देखो भोले बाबा भोले हैं, अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। सुन लिया दक्ष प्रजापति बोलता रहा, भगवान ने सुन लिया, लेकिन जब अति हुआ, अति सर्वत्र वर्जयत, जब अति हुआ भगवान शंकर उठ गए, उठ करके अपने कैलाश गए। विवाह पहले ही हो गया था, कैलाश गए, अपनी पत्नी सती देवी को नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया, नहीं बताया। उसके बाद में भगवान शंकर कैलाश में गए और रहने लगे। दक्ष प्रजापति को लगा ये तो कम हो गया, मुझे और ज्यादा अपमान करना था। उसने विशाल यज्ञ रखा, आयोजन किया, यज्ञ का आयोजन किया। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, यज्ञ का आयोजन करता है। फिर उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि इस यज्ञ में सभी को बुलाया, भगवान नारायण को, ब्रह्मा जी को, जितने देवी देवता हैं सबको बुलाया, केवल शंकर जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि सभी को निमंत्रण करूंगा, भोले बाबा को नहीं करूंगा तो उसका अपमान और ज्यादा हो जाएगा। अभिमानी दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा को नहीं बुलाया, और जिसको बुलाया उस निमंत्रण पत्रिका में लिखा था आते समय कैलाश के मार्ग से आना और साथ में अपने पत्नियों को लाना, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आना। वो दिन आ गया, जितने देवी देवता सब आ रहे हैं, कैलाश के मार्ग से आ रहे हैं, बड़ा सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके, अलंकार से अलंकृत होकर के, जैसे संपूर्ण देवी देवता आए। सती देवी अंदर विराजमान थी, आवाज आया बात करने का, कुछ गाने का आवाज आया, दौड़ के बाहर गई। जैसे दौड़ के बाहर गई, देवियों को देखा, देवियों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। सती देवी ने देवियों से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। अरे सती, आपको पता नहीं आपके पिताजी के घर में यज्ञ है, हम वही जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे। सती देवी बोली हम भी आ रहे हैं, आप लोग चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। अब सती देवी को लगा कि पिताजी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, लेकिन जाकर के अपने पति भोले बाबा से कहती हैं कि स्वामी मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है, चलिए ना हम भी चलते हैं। भगवान बोले वहां नहीं जाना। देखो देवी, जहां से निमंत्रण नहीं आया वहां जाना व्यर्थ है, वहां नहीं जाना चाहिए। सती देवी बोली प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरे पिताजी के घर है, पिता के घर में तो जा सकते हैं ना, चलिए ना प्रभु चलो। भगवान बोले जहां से निमंत्रण नहीं मिला है ना, वहां जाने का अर्थ है अपना अपमान करा लेना, वहां नहीं जाना चाहिए। समझाया, लेकिन सती देवी मानती नहीं, सुनी नहीं, एक बात भी नहीं सुनी, और भगवान से कहती प्रभु चलो ना हमारे घर में, पिताजी के घर में चलो, हमारे पिताजी के घर चलो। भगवान ने जवाब नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है करो। अब सती देवी मनाती है भगवान को, प्रभु केवल मेरे पिताजी नहीं, आपके अपने ससुर के घर चलो। प्रजापतिस्ते ससुरस्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामीय विबुधा व्रजन्ति। आज सती मैया कहती हैं कि प्रभु वो केवल मेरे पिताजी का घर नहीं है, आपके अपने ससुर का घर है। देवी जी को लगा कि भगवान को हम कह देंगे कि आपके ससुर के घर चलो, तो ससुराल जाने के लिए बाबा लोग जल्दी तैयार हो जाते हैं। ससुराल शब्द जो है ना,
उसको सुनते ही खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान को फर्क नहीं पड़ा, सती देवी ने मनाने की कोशिश की, लेकिन भोले बाबा कहते हैं मुझे नहीं जाना, आपने जाने के लिए जिद किया है तो आप निकल जाओ, चले जाओ, अब मैं भी ज्यादा नहीं रोक सकता। जब आप मेरी आदेश को, मैं जो बोल रहा हूं उसको मानना नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप चले जाओ। अब तो सती देवी चली गई, निकल गई, और भगवान ने अपने गण को भी साथ में भेज दिया पीछे से। और उसके बाद जैसे माँ सती अपने पिताजी के घर में पहुंच गई, जाते ही जो बहनें थी सभी ने हंसी करना शुरू कर दिया, अरे सती तू आ गई, कैसे आई, अकेली आई, वो शंकर नहीं आया, वो महादेव नहीं आया, तो अकेली कैसी आई और अकेले कैसे आने दिया, विविध प्रकार की बातें करने लगी। अरे पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में कोई नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, गले से लगाया। सती देवी बोली आज माँ मुझे यज्ञशाला का दर्शन करना है, निकल गई यज्ञशाला की ओर चली जाती हैं। जब जाके देखा यज्ञशाला में संपूर्ण देवी देवता के लिए भाग था, लेकिन भोले बाबा के लिए, भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं था। जैसे देख लिया आज मैया सती अत्यंत क्रुद्ध हो जाती है, दक्ष की ओर देखा, दक्ष बोला अरे पुत्री तू आ गई, अच्छा किया शंकर को छोड़ के आई, अकेली आई, अच्छा हुआ, मैं निमंत्रण इसलिए नहीं पहुंचाया, मुझे लगा कि वो भी साथ में आएगा इसलिए मैंने नहीं बुलाया, तुम अकेली आई बहुत अच्छा हुआ। सती देवी को क्रोध आया, आज मेरे पति का, मेरे भगवान का इतना बड़ा अपमान, दक्ष को देखा, कहा आज मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपने पिता कहने में। अरे दक्ष तुमने भगवान शंकर का अपमान किया, इतना विशाल यज्ञ किया और भोले बाबा का अपमान किया, तुम्हारा ये यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। जिस यज्ञ में शंकर का अपमान हो, जिस यज्ञ में शंकर के लिए कोई भाग ना हो, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुमने ये यज्ञ नहीं पाप किया है, मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, अगर मैं जाऊंगी ना कैलाश तो भोले बाबा मुझे दक्षिणी कह करके पुकारेंगे, जो नाम मुझे स्वीकार नहीं है, तुमसे मिला ये शरीर और तुमसे मिला ये गोत्र मुझे नहीं चाहिए। आज देवी सती ने अपने शरीर को वही यज्ञशाला में त्याग कर दिया, सती मैया ने शरीर को छोड़ दिया। नारद जी ने भगवान शंकर को ये संदेश पहुंचाया, भोले बाबा को अत्यंत क्रोध आया, अपने जटा को निकाल करके जमीन में पटका, वीरभद्र प्रकट हुए, आदेश दिया दक्ष के यज्ञ को नाश करो। जल्दी से जाकर के वीरभद्र ने, भगवान शंकर के गणों ने उस यज्ञशाला में अपवित्र फैलाना शुरू कर दिया, यज्ञ को तहस नहस कर दिया, चारों ओर हाहाकार मच रहे, देवता लोग भाग रहे हैं, सब कोई दौड़ रहे हैं। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को कपड़ों की तरह निचोड़ कर अग्नि में डाल दिया, यज्ञशाला में डाल दिया। जिन्होंने भोले बाबा का अपमान किया था सभी को दंड दिया, दक्ष का शरीर और सिर अलग हुआ, अग्निशाला में उसके सिर को डाल दिया। सब कोई ब्रह्मा के शरण में गए, हे ब्रह्मदेव, हे विधाता, आप रक्षा करो, आप तो बचाओ। जैसे ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी बोले अपमान मेरा नहीं, भोले बाबा का हुआ, क्षमा मांगना है तो वहीं जाकर के मांगो, और मुझे विश्वास है वो आशुतोष है, वो अवश्य सुनेंगे। अगर भक्त प्रेम से भोलेनाथ को पुकारे तो आपके हर एक दर्द वो समझते हैं, आपको हर एक चीज वो दे देंगे।